पिछले 24 घंटों में उत्तर पश्चिमी हिमालयी 3 राज्यों में बारिश ने जमकर आतंक मचाया हुआ है, जिससे सैकड़ों सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। इन राज्यों के साथ देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है और आईएमडी ने आने वाले 2 दिन में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब सहित देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में 41 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले 25 जुलाई 1982 में 169.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 2003 में 24 घंटे में 133.4 मिलीमीटर बारिश हुई। वही 2013 में दिल्ली में 123.4 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के 2 जवान पौशाना नदी पार करते हुए बह गए। वही लैंडस्लाइड से हिमाचल के कोटगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के लाहौल और स्पीति में बाढ़ और एवलांच की चेतावनी दी है। कश्मीर में खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को लगातार 3rd दिन रोक दिया गया। इसके चलते 6000 अमरनाथ यात्री रामबन में फंस गए। नेशनल हाईवे 44 भी फिलहाल बंद है। चलिए आपको बताते हैं देश के किन किन राज्यों में बारिश का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, निवाड़ी जिले शामिल इसमें हैं। बाकी जगह हल्की बारिश हो सकती है। बिहार, मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश और बिजली का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने रविवार को तेज बारिश को लेकर प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 5 अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के अंबाला जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। लगातार हुई मूसलाधार बारिश से अंबाला कैंट और सिटी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पानी की निकासी न होने से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। सेक्टर और कॉलोनियों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। यूपी में आज भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मुरादाबाद में ढेला नदी का पानी 12 गांवों में पहुंच चुका है। यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। आज पश्चिमी यूपी के 8 जिलों अमरोहा, बागपत, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली में भारी से भारी बारिश हो सकती है। 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और 14 जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश का अनुमान है। पंजाब में 8 दिन में ही जुलाई का कोटा पूरा हो गया। शनिवार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 तक मूसलाधार बारिश हुई। 1 जून से लेकर 8 जुलाई तक 140 mm के करीब बारिश हो चुकी है। शुक्रवार को पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ 10 mm से ज्यादा बारिश हुई। वहीं इस मानसून सीजन में पहली बार पूरे हरियाणा में एक साथ अच्छी बारिश हुई। 24 घंटे में औसतन 7.10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 32% ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड होने से 250 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। कोटगढ़ की मधावनी पंचायत के पानीवली गांव में एक मकान पर लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 को सुरक्षित निकाल लिया है। मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, चंबा और कुल्लू जिले में आज अत्यधिक बारिश होने का रेड अलर्ट तथा सोलन, शिमला और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बहरहाल आईएमडी की तरफ से अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि देश के कई कोनों से दुख भरी खबरें भी सामने आई। तो वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। खबर फास्ट के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट।